अरे आइए आइए जनाब, क्या खैरियत है आपका? लॉकडाउन में बड़े दिनों से आपसे मिला नहीं था। बताइए बताइए, क्या सेवा करें आपकी? अरे भैया, सेवा क्या करना है, बस कुछ नए नए फोन्स हम लाए हैं तो अच्छा, उनके डब्बे वब्बे खोल दीजिए थोड़ा सा। फोन रिव्यू करना है? अरे अरे नहीं, फोन रिव्यू कौन करता है यार आजकल, थोड़ा सा बस अनबॉक्सिंग कर दीजिए अच्छा, यार। अनबॉक्सिंग करना है, चलो हो जाएगा जनाब। कौन सा फोन है बताइए? अरे ये वाला फोन है, वीवो V19, हर साल आता है, मस्त फोन है। ओ हमारा प्यारा वीवो के तरफ से, कौन सा? देखो जरा ये अरे फोन। लीजिए लीजिए, देखिए लीजिए, ये फोन लीजिए। ओके, अरे भाई वीवो V19, ये तो हर साल आता है यार, कमाल का फोन आता है। चलिए बताइए इसमें स्पेसिफिकेशंस क्या क्या चीजें हैं। अरे आप स्पेसिफिकेशंस का क्या चिंता कर रहे हो भाई, मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या चीजें हैं। ओके इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन मिल जाता है, वो भी 6.4 इंचेस का, पूरा फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला। आप क्या समझोगे और और क्या भाई, इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, पंच होल मिल जाता है, पूरा का पूरा जो बॉडी है दिखने में खूबसूरत है, क्वाड कैमरा आपको मिल जाता है, और क्या चाहिए। ओके, डिसेंट है, काफी अच्छा है। और अरे और क्या भाई, आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट मिल जाती है, और क्या चाहिए अरे आपको। भाई भाई भाई, बहुत कमाल है, बहुत अच्छा है। और अगर बात कर ले तो इसमें Snapdragon 712 भी है, क्वालकॉम का चिपसेट, आपको पता है ना, और 8 GB का रैम मिलता है, 256 GB का स्टोरेज मिल जाता है आपको। पूरा पुराना प्रोसेसर है बट चलेगा यार, चलेगा, कोई बात नहीं। और आपको इसमें मिल जाता है वही फंटा चॉइस और Android 10, अरे 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 अरे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है जनाब, आप रिव्यू तो कीजिए। तो इसकी जो प्राइसिंग है, मुझे लग रही है कि लगभग 15 से 16 हज़ार के आसपास होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो 18 हज़ार के आसपास, नहीं जनाब, आप ये क्या बोल रहे बिकॉज हैं, वीवो है, ऑफलाइन बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो प्राइसिंग है वो है 28,000 रुपये, बहुत ही डिसेंट प्राइसिंग हमने रखा है, 28,000 रुपये? 28,000 रुपये। भैया ये तो टट्टी है, क्या बात कर रहे हैं जी आप, 28,000 रुपये भी, ये टट्टी है भैया। ऐसे नहीं बोले यार, बहुत प्यार से बनाया है हमने इस फोन को ये फोन मेरे से अनबॉक्सिंग नहीं होगा। यार। यार अनबॉक्सिंग तो कर दो यार, एटलीस्ट रिव्यू मत करना, अनबॉक्सिंग कर दो। और अगर आपको टट्टी लगता है तो हमें टट्टी को सोना बनाने भी आता अच्छा, है। तो टट्टी को सोना बनाने आए हैं आप? हाँ भैया, आप क्या समझे, सोना बनाना चाहोगे। तो फिर सोना बनाने वाली मशीन तो लाइए। अरे मशीन तो हमारे जेब में रहता है जनाब, लीजिए। अरे अरे अरे, आप क्या बात कर दिए आप, ये मशीन पर एक ही मशीन दिया आपने, इससे क्या होगा अरे यार? जनाब थोड़ा समझिए, औरों को भी तो देना है, ये मशीन सबके पास जाएगी। इतना में तो फिर ये टट्टी सोना नहीं बन पाएगा, लिक्विड बन के रह जाएगा। आप नहीं मानोगे जनाब, चलो ठीक है, ये लो और ले अच्छा लो। अच्छा अच्छा ये दो में क्या होगा यार भैया मेरा? तो अब और कितना चाहिए, थोड़ा ख्याल रखिए, सबको बांटना है यह मशीन। दो में कुछ नहीं होगा, थोड़ा देखिए, जब टट्टी ज्यादा बड़ी हो तो ज्यादा मशीन लगता है ना, तो ये दो मशीन से कुछ नहीं होगा, थोड़ा ले ज्यादा। लीजिए ले लीजिए, आजकल आपके ही व्यूज आ रहे हैं, आजकल आपका ही चल रहा है, ले लीजिए। ओके भैया, हाँ दीजिए दीजिए दीजिए, अरे सब दीजिए ना भैया। ऐसे आप छीन लिए भैया, मतलब सही बात नहीं है, अब एक दो यूट्यूबर को लिस्ट में से काटना पड़ेगा हमें। अब आपका टट्टी सोना बन जाएगा भैया, डोंट वरी। बना दीजिए, और थोड़ा अच्छे से सोना को फिनिशिंग करके बनाइएगा, लोगों को ऐसा ना लगना चाहिए कि आप एकदम पूरा फेवर में ही बोल रहे हो, पैसे ही लियो, थोड़ा सा आराम से, ठीक है। अरे आप मत घबराओ, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। थैंक यू भैया। तो भैया आज हमारे पास आ चुका है वीवो का V19, जो कि हर साल आते रहता है और हर साल मैं उनसे पैसे लेते रहता हूं, और आज मैं करूंगा आपके सामने पूरा का पूरा बायस रिव्यू, क्योंकि सही से रिव्यू करने का मेरे पास कोई भी औकात नहीं है, और साथ ही साथ मैं हो सकता है कि रिव्यू ना करूं, सिर्फ और सिर्फ कर दूंगा अनबॉक्सिंग, क्योंकि रिव्यू तक जाने की भी मेरी औकात नहीं है। तो गाइस अगर बात कर ली इस स्मार्टफोन की, तो इसमें हमें मिलता है, और ये जो स्क्रीन है, ओहो भाई बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत जबरदस्त लगता है। इसका बॉडी आप देखेंगे तो सैमसंग का कॉपी लगता है, लेकिन गाइस ये पूरा का पूरा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एंड क्योंकि मुझे इनके पैसों का लिया हुआ चुकाना है, तो मुझे 5 बार बोलना होगा इसका बॉडी खूबसूरत है, फिर से अगर आप देखेंगे तो इसका बॉडी खूबसूरत है, अगर आगे से देखेंगे तो इसका बॉडी खूबसूरत है, अगर पीछे से देखेंगे तो इसका बॉडी खूबसूरत है, और अगर दाएं बाएं से देखेंगे तो इसका बॉडी खूबसूरत है। ये जो प्रोसेसर है थोड़ा पुराना है, पर यार कैपेबल प्रोसेसर है, डे टू डे यूजर्स में, डे टू
डे यूजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसमें आपको जो कैमरा मिलता है वो चार चार कैमरा मिलता है। कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है ये। क्या है? कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन। आपको याद रखना होगा, इसमें आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का ऐसा सेंसर जिसका नाम नहीं है कि सोनी से है कि सैमसंग से है या फिर ओमनी विजन से है, कोई नाम नहीं है। 48 मेगापिक्सल है तो आप जिंदा हैं। आप अगर पतले होंगे और आपका शिकायत करके लोग कहते होंगे कि आप हड्डी दिख रहे हैं, तो वाइड एंगल से खींचना, आप इतना वाइड दिखेंगे कि लोग आपको कहेंगे कि भैया आप भी अब मोटे हो चुके हैं, हेल्दी हो चुके हैं। अगर आपका स्किन कहीं पे कट जाता है और आपको पता नहीं चलता है, तो आप उस मैक्रो लेंस से स्किन की सिलाई भी कर सकते हो। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया है। अगर चांद सा रोशन चेहरा नहीं है आपका, तो ये चांद सा रोशन चेहरा बना लीजिए इस सेल्फी कैमरा से, और ऑरा लाइट फीचर से, मून लाइट फीचर से, जुपिटर लाइट फीचर से, सैटर्न लाइट फीचर से, सन लाइट फीचर से, यूनिवर्स लाइट फीचर से, गैलेक्सी लाइट फीचर से, और अगर आप दूध की तरह सफेद चेहरा चाहते हैं मिल्की वे लाइट फीचर से, उसके बाद आपको इसमें जो भी चीजें मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। मुझे नहीं पता क्या मिलती है, लेकिन जो भी चीजें मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। वो 28,000 रुपए है, ऑफलाइन में बेच रहे इतना कम में? यार डिसेंट प्राइसिंग में वीवो वाले ऑफलाइन बेचते हैं, ऑनलाइन का कोई फ्लैश सेल वगैरह का बहाना करते नहीं, तो ऑफलाइन में आपको 28,000 रुपए में मस्त मस्त भाई मस्त एकदम आपको मिल रहा है फोन। अब देखो, ये हम मान सकते हैं कि हाँ भाई जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 712 है, तो थोड़ा सा जो है लो प्रोसेसर है, पुराना प्रोसेसर है। मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं सच सच जो होगा बताऊंगा। हाँ भाई स्नैपड्रैगन 712 है जो कि, बट ये थोड़ा सा कैमरा सेंट्रिक फोन है। हर फोन में प्रोसेसर थोड़ी ना इंपॉर्टेंट होता है, कैमरा सेंट्रिक फोन है। कैमरा से खींचो, फोटो लो, अपनी अपनी वीडियोज लो, स्टेबल शॉट आते हैं 4K या 30 FPS में, और आपको क्या चाहिए? डे टू डे यूजर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। डे टू डे यूजर्स, समझ रहे हो ना भाई? Vivo V19, आप ये फोन लो। गेमिंग, अरे गेमिंग कौन करता है यार? पबजी लत लग जाएगा यार आपको, ज्यादा गेमिंग करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, स्टूडेंट्स के लाइफ खराब हो रहे हैं, कितने लोगों का जो है आप समझ रहे हो ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं पबजी से। ये गेम लो, ये फोन लो, गेम थोड़ा स्लो ही चलेगा, बट आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज तो नहीं आएंगे यार। और आपको क्या चाहिए यार? 28,000 रुपए में बेस्ट फोन है भैया। जितना पैसा था उतना हो गया मेरा काम। रिव्यू तो कर दिया आपने, लेकिन एक बार भी हमारे इतने अच्छे सॉफ्टवेयर फंटा चॉइस के बारे में कुछ नहीं बोला। जानता हूँ और पैसे मांगोगे, ये लो थोड़े और पैसे ले लो भैया, बोल दो फंटा चॉइस के बारे में। और पैसे दे रहे हो यार, चलो दो लाइन और बोल देता हूँ। फंटा चॉइस, वीवो का भरोसा, फंटा चॉइस जैसा कोई ओएस नहीं है, समझ गए? अरे भैया हो गया, ओ भैया, ओ हो मस्त, आय हाय हाय, आय हाय, आई लव यू। अगली बार आपको ना हम दुबई में फ्लैट बुक कर देंगे, स्विमिंग पूल वाला एकदम, फ्लैट के अंदर स्विमिंग पूल रहेगा, कूदना दुबई में कूदोगे निकलोगे इंडिया में भाई, इतना अच्छा स्विमिंग पूल, इतना गहरा स्विमिंग पूल बनाएंगे। 28,000 में बहुत अच्छा है, कैमरा सेंट्रिक फोन है, समझ रहे हैं ना? कैमरा सेंट्रिक फोन है, कैमरा सेंट्रिक फोन है, कैमरा सेंट्रिक फोन है, कैमरा सेंट्रिक फोन है, कैमरा सेंट्रिक फोन बोल रहा है, कैमरा सेंट्रिक, मार देंगे कैमरा सेंट्रिक फोन, बोल रहे ना कैमरा सेंट्रिक फोन, खरीद सब खरीद।